प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में मध्य प्रदेश के जम्बूरी मैदान में पीएम मोदी पहुंचे। यहां कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया था जिसमें कार्यकर्ताओं में जोश दिखा, कार्यकर्ता लाखों कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए। आपको बता दें शिवराज की लॉबी के सभी लोग यहां नजर आए, कह रहे थे कि गुटों में बटी हुई है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन इस दौरान सभी गुट के नेता नजर आए, एकता नजर आई। सभी बड़े नेता जो थे वो मंच पर मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर भी इस दौरान मंच पर मौजूद रहे, नरोत्तम मिश्रा, वीडी शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया मंच पर मौजूद। बीजेपी में इस दौरान एकता नजर आई। आपको बता दें पंडित दीनदयाल उपाध्याय का आज जन्मदिन था, उनकी जयंती थी, इसलिए सभी नेताओं ने उन्हें याद किया मंच पर। एक दूसरे से बात करते पीएम मोदी और शिवराज नजर आए, जिसके बाद जो राजनीतिक कुछ कयास लगाए जा रहे थे उन पर एक विराम लग गया है। आपको बता दें मोदी और शिवराज में अनबन की जो बात कही जा रही थी वो आज मंच पर पीएम मोदी के खुद शिवराज से बात करने पर ये कयास जो है उन पर अब विराम लग गया है। आपको बता दें शिवराज ने मोदी नेतृत्व में विकास की इस दौरान बात की, मध्य प्रदेश की उपलब्धियां याद दिलाई, सीएम शिवराज ने सरकार के काम याद दिलाए, विकास की उपलब्धियों की बात की, लाडली बहना योजना पर विशेषकर उन्होंने जो है वो जोर दिया और उन्होंने कार्यकर्ताओं को कांग्रेस का जो काल है वो याद दिलाया और ये याद दिलाया कि पहले भारतीय जनता पार्टी के आने के पहले कितना बीमारू राज्य था मध्य प्रदेश, एक बल्ब की रोशनी को भी तरसता था। इस दौरान नंबर वन राज्य बनाने की बात कही। शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया कि अगर उन्हें ही जिताया गया तो अगले साल जब चुनाव होंगे, चुनाव होने तक जो मध्य प्रदेश है वो नंबर वन राज्य होगा देश का। इस दौरान उन्होंने अपने सभी कार्यकर्ताओं से अपील की कि 2 महीने का ये जो समय है वो किसी और को मत दीजिए, पार्टी को दीजिए। आपको बता दें कि इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने पार्टी को माँ कहा और ये भी कहा कि कभी कभी माँ भी कहती है कि मेरे दूध का कर्ज निभाओ या अदा करो। तो इस दौरान उन्होंने शिवराज ने अपने कार्यकर्ताओं को अपनी माँ यानी कि अपनी भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य करने का संकल्प दिलाया। भारत माता की जय घोष, नर्मदा माता की जय घोष के साथ उन्होंने अपनी वाणी को विराम दिया। भारत माता की जय घोष के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात शुरू की और प्रधानमंत्री मोदी के मंच पर आते ही जो लाखों का जनसैलाब था, खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ मोदी का स्वागत किया गया। मोदी ने भी दीनदयाल उपाध्याय को याद किया और इसी दौरान मोदी ने पहले शब्दों में भारत माता की जय घोष के बाद अपने कार्यकर्ताओं को परिवारवासी कहकर संबोधित किया। मोदी को देखकर उत्साहित हुए कार्यकर्ता, आयोजन को नरेंद्र मोदी ने, पीएम नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं का बुलंद हौसला बताया। उन्होंने कहा कि ये जो आयोजन है, जो सफल आयोजन है, कार्यकर्ताओं के बुलंद हौसले से ही है। इस दौरान कई बीजेपी के बड़े नेताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने याद किया और ये कहा कि मध्य प्रदेश जो है वो हमारे देश का दिल है, इस दिल का भारतीय जनता पार्टी के साथ एक विशेष नाता रहा है। प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ से आते हैं, राजमाता सिंधिया यहाँ से आती है और ऐसे अनेकों अनेक नेता हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए दरी बिछाने का भी काम किया है। इस दौरान जो पूरी स्पीच थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो वो बात कर रहे थे वो फर्स्ट वोटर्स पर केंद्रित थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक नए मुद्दे के साथ चुनाव में उतरी है, यानी कि पहले बार मतदान करने वाले उन युवाओं को उन्होंने केंद्रित किया। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि कहीं विकास की ये गाड़ी उतर ना जाए, कहीं विकास की ये गाड़ी भटक ना जाए। इस दौरान उन्होंने याद दिलाया कि उन फर्स्ट वोटर्स को बताइएगा कि कांग्रेस का जो समय था उस समय हमारे यहाँ ना सड़कें थी, ना बिजली थी, ना पानी था, ना घर था। पीएम मोदी ने फर्स्ट वोटर्स पर केंद्रित होकर कई बात की। उन्होंने अपने जो कार्यकर्ता हैं उनसे हर बूथ पर फर्स्ट वोटर्स को साधने की बात की और एक जो अहम बात थी वो यही थी जो एक मंत्र दे गए पीएम मोदी, या जो एक डर साफ नजर आया वो सिर्फ इतना था कि विकास की कहीं ये गाड़ी उतर ना जाए, भटक ना जाए। कार्यकर्ताओं से कहा कि आपको अब अपने फर्स्ट वोटर्स को याद दिलाना है कि वो जाके अपनी नानी से पूछे, नाना से पूछे, पापा से पूछे कि भाई कांग्रेस के कार्यकाल में मध्य प्रदेश बीमारू कैसे था। इस दौरान कांग्रेस के गठबंधन पर कई सवाल उठाए, मध्य प्रदेश को बचाने की बात कही और कांग्रेस को जंग लगा हुआ लोहा तक कह डाला पीएम मोदी ने। कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के इस भाषण के दौरान जमकर नारे लगाए, तब पीएम मोदी ने रुककर हंसकर मुस्कुराकर कहा कि आपका प्यार ही तो है जो मेरी ताकत है। इस दौरान पीएम मोदी ने डिजिटल इंडिया का जिक्र किया और कहा कि जो कांग्रेस है वो हर बार विकास का विरोध करती है, उन्होंने इस डिजिटल इंडिया का भी विरोध किया था। वंदे भारत का जिक्र किया, नए संसद भवन और भोपाल के रानी कमलापति
जो रेलवे स्टेशन बनाया गया है उसका भी जिक्र किया, और साथ ही साथ ये कहा कि कांग्रेस जो है वो नकारात्मकता फैलाती है, वो चाहे संसद भवन हो चाहे रानी कमलापति स्टेशन हो, सभी के लिए कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ गलत बातें कही है। भारत की उपलब्धियों पर, कांग्रेस के विरोध पर उन्होंने सवाल किया। उन्होंने ये पूछा कि अगर आपका देश विकास करेगा तो क्या आप खुश होंगे, तभी जब कार्यकर्ताओं ने पलटकर जवाब दिया कि हाँ होंगे, तो उन्होंने सवाल किया कि फिर कांग्रेस अपने देश के विकास पर खुश क्यों नहीं होती। इसके बाद पीएम मोदी ने देश के विकास और परिश्रम का जिक्र किया, युवाओं और फर्स्ट वोटर से कहा कि अपना इतिहास जाने, अभाव में रखने के लिए इतने सालों तक भारतीय जनता पार्टी जब नहीं आई थी तब तक कांग्रेस का ही शासन था, उनकी ही सत्ता थी, तो आखिर अभाव में क्यों थे। उन्होंने कांग्रेस को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया और परिवारवाद पर जमकर कांग्रेस को घेरा। प्रजातंत्र को परिवार तंत्र बनाने का भी पीएम मोदी ने आरोप लगा दिया। गरीब को तरसाकर गरीब रखने का आरोप लगाया। रोटी कपड़ा मकान में उलझाए रखने की बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इसलिए कभी भी गरीब को गरीबी रेखा से ऊपर नहीं आने दिया कि इन्हीं मुद्दों पर तो वो बार बार वोट मांगती है, यानी कि वोट के लिए ही उन्होंने गरीबों का विकास नहीं होने दिया। दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें याद करते हुए अंत्योदय की बात कही और कहा कि ये दीनदयाल उपाध्याय ही थे जो कहते थे सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये जो मंत्र है ये दीनदयाल उपाध्याय का ही मंत्र था। इस दौरान पीएम मोदी ने शोषितों और वंचितों को लाभार्थी बनाने की बात कही। कांग्रेस के गरीबी हटाओ के नारे का जिक्र किया, 50 साल पहले दिए गए नारे की याद भी दिलाई। 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी काम किए वो बताए और मोदी ने ये कहा कि हमने सिर्फ 5 साल में 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। मोदी और भाजपा की गारंटी को विश्वसनीय बताया, बहनों और बेटियों को संबोधित किया इस दौरान और नारी शक्ति वंदन अधिनियम का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि द्रौपदी मुर्मू को जब राष्ट्रपति बनाया जा रहा था तो कांग्रेस नहीं चाहती थी कि वो राष्ट्रपति बने। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस की नीयत पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इस बिल का समर्थन भी मजबूरी में कांग्रेस ने किया है, महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं किया आज तक कांग्रेस ने। उन्होंने कहा आजादी के इतने साल बाद क्यों विकास नहीं किया। गैस सिलेंडर बिजली समस्या पर कई अहम सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि टॉयलेट तक क्यों कांग्रेस नहीं बना पाई। मोदी ने कार्यकर्ताओं से पूछा कि अगर कांग्रेस काम करती तो क्या यह सब मोदी को करना पड़ता। आज हमारे देश को आजाद हुए इतने साल हो गए, बावजूद इसके कांग्रेस अब तक बिजली और पानी जैसी समस्याओं को ही हल नहीं कर सकी थी। अगर वो ये सब करती तो क्या मोदी को ये सब करना पड़ता। महिलाओं को क्यों बैंकों से दूर रखा गया, अधिकारों से दूर रखने का भी आरोप लगाया और साथ ही साथ देश की हर माँ और बेटी से अपील की। वहाँ मौजूद बड़ी संख्या में जो नारी शक्ति थी उनसे कहा कि मैं हर माँ और बेटी से अपील करता हूँ कि अब तक हमने कठिन रास्ता पार किया है, सार्थक बदलाव का जो है वो शुभारंभ हो चुका है, लेकिन अब हमको कहीं भटकना नहीं है। इस दौरान राहुल गांधी को उन्होंने जमकर निशाना बनाया और कहा कि जो गांधी परिवार है उसमें चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए राहुल गांधी, गरीब का जीवन जो है उनके लिए एडवेंचर टूरिज्म है, गरीब की बस्ती उनके लिए पिकनिक स्पॉट है और फोटोशूट का एक लोकेशन है, गरीब का खेत जो है वो फोटो सेशन का मैदान बना दिया है कांग्रेस ने। इसके बाद पीएम मोदी ने कहा कि देश विदेश में भारत की गरीबी का मखौल उड़ाती थी कांग्रेस, बीजेपी भारत को भव्य बना रही है और दुनिया को दिखा भी रही है। कांग्रेस बीजेपी का अंतर जो है वो बूथ बूथ पर बताने की बात कही। मोदी का मिजाज अलग है और मिशन भी अलग है और अंदाज भी अलग है। इस बात के साथ मोदी अपनी बात को समाप्त करते नजर आए। उन्होंने कहा कि मैं तो अभावों में रहा हूं किंतु मैं देश को अभाव में नहीं रहने दूंगा। मुफ्त राशन, मुफ्त इलाज का अवसर कांग्रेस के पास भी था लेकिन कांग्रेस के पास इरादा नहीं था, इसलिए कांग्रेस ने ये सब काम नहीं किए। गुणवत्ता का जीवन देने का जो काम है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इस दौरान उन्होंने कई जिक्र किए, कई योजनाओं के जिक्र किए और उन्होंने कहा कि अगर आप काम करेंगे तो जो भारतीय जनता पार्टी ने विकास कराया है उसका जो ये इंजन है, उसकी जो ट्रेन है वो पटरी से नहीं उतरेगी, यानी विकास का जो इंजन है डबल इंजन के साथ ये सरकारें काम करती रहेंगी और मध्य प्रदेश आने वाले समय में नंबर वन प्रदेश जरूर बनेगा। इसी के साथ ये उन्होंने अपनी जो वाणी को विराम दिया। कार्यकर्ताओं में उत्साह फूका साफ तौर पर नजर आ रहा था। कार्यक्रम में लाखों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। ये जो कार्यकर्ता सम्मेलन है भारतीय जनता पार्टी का ये सफल रहा। इस आयोजन में सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस भारतीय जनता पार्टी पर खेमों में बटे होने का आरोप लग रहा था वो आरोप आज इस मंच ने खत्म कर दिया, वो कयास भी खत्म कर दिया कि मोदी और शिवराज के बीच में कोई कलह चल रही है। मंच पर मोदी और शिवराज एक साथ हंसी खुशी नजर आए।
वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।